के साथ दो नमक के परांठे बनाए दिए। नवी के पापा की डिमांड आई तो मैंने पापा के नवी के नमक के परांठे बनाए। ये देखो नमक के परांठे, और भूखे मरदे आए बहर तान देने बोले तोले रोटी दे दे रासल लाएंगे रे दे लो कुत्ती दे रोटी बन रहे खान के बात कति ये सारा दिन भूख मतलब कुछ भी नहीं खाना था कति करड़ी करो आया आलू लाएंगे रे देखो कुकर आलू लाएंगे रे कति करड़ी ऐप कर लो बंद मेरे कहने मुंह करो बंद करो जल्दी करो एक चीज दिखानी है आंख निकोलन है पक्की बात है देखो क्या तो कति बताओ। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जी तो राम राम जी सारे आप सभी का स्वागत है हमारे कुछ में ब्लॉग में। उम्मीद आप खुश हो गए स्वस्थ हो गए। और आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हुए काफ़ी दिनों के बाद मैं काम निपटा कर आई थी देखा तो ब्लॉग भी नहीं स्टार्ट कर रखा और नान बढ़ रहे थे मैं कर दी ब्लॉग की स्टार्टिंग ओ ना ली अरे ना ये पाचा कौन ब्रश करा करें देखो मैंने नवी का दूध गर्म करके जा रही अपनी चाय बना के जा रही इनकी सब्जी ठंडी करके जा रही रोटी खाऊंगी आप जल्दी जल्दी ना लो इब कै घंटे लागेंगे ब्रश करते आना तीन मिनट अच्छा 3 मिनट खाना बना दिया खाना पैक भी कर दिया क्या बनाया घीओ पैक भी कर दिया क्या मतलब ठंडा कर दिया पैक कर दिया वो पैक ही तो करना होता है टिफिन नवी बार जा रहा पापा दो रहा मम्मी दो रहा और उसमें बैठक में ना नई टंकी दरवा अच्छा। पैक नहीं कर कति दौले दिख लग रहे हैं जमा प्रॉपर नुकून थी वो तो धोखे ते लिख गया वो है ना ठंडा कर रखा बाउल में आपकी सब्जी इसलिए खाना खाना है नहीं खाना मैं खा लू ठीक है फिर इस पलंग ने उठा कर बाहर रख दो के बता ले काम कर दिया ना चल ना बता नुकुन करया कर रब की त्रिया मैसा की त्रिया रगड़ लें करे कति दर्द नहीं आता या तो 6 घंटे ला कर ब्रश पे मैं अपना एक कप चाय का पीलू चाय बना कर रख रखी है ठंडी होने लग रही तो हमारे बाहर बैठक में टंकी बदलवाई है 500 लीटर की टंकी दरवाई पहले 300 लीटर की टंकी दरी थी और मैं देखो ये अखरोट कई दिन पहले संभाले थे भाई इनमें कीड़ी चल लग रही है पहले तो इनमें सुरसी चल थी देखो इनमें कीड़ी चल लग रही पूरी कीड़ी तो पहले घने दिन में संभाले थे जी हाँ तो हम भोजन भी ग्रहण करेंगे उन अखरोटा पहले तो सुरसी हो रही थी इनका हम सुखाया पा जाते हैं पूरी कीड़ी चल लग रही उनमें है कि देख ले जाके नवीब सुता उठा है कितना टाइम हो गया सवा नौ बीस हो गया सुता उठा इसकी कति आदत बिगड़ ली अरे ये दूध दर गजार थी मैं इसका ये भी और लिख्स बिना कति नहीं पीवे कॉम्प्लेन बिना उठ दे टीवी चला ले है उठ दे टीवी चला ले देख लें कार्टून नवी दूध पी लेन बेटे हैं यू क्या था ये क्या था ये भी ना देखे यू क्या करेगा तेरी वो ओरलिक्स लेके आया है इसने ओरलिक्स बिना को नहीं पिया कति भी चे कॉम्प्लेन चे ओरलिक्स दोनों में तो एक चीज हो और मैं इसका उड़ दिया करूँ ड्रेसिंग में चाबी के लग क्यों बाल गणा वेस्ट कर दे फिर अपने आप डाल लेगा खुल जाएगा तेरे पे खुल जाएगा हैं के मैं खोलूं अच्छा ठीक है नवी ने तो पी लिया अपना दूध के डलवा का पिया है ओरलिक्स इसको बहुत पसंद है हर एक चीज दिखाऊंगी सबके घर में यही होगी देखो
ना के तो लिया गिर दिया और यहाँ गिर दिए निकर टीसरे टाड़े गिर दी। तो मैं बिना ली और नवी बिना लिया, ये देखो नवी बिना लिया आंधे टीवी चला लिया, टीवी है दौड़ जगा था उठ करने और ये टावल बंदा फिर नवी और देखो इस मोड़ी का नहीं नहीं इतना बहम हो रहा है इन्हें जोड़ बर जी करोड़ बरे ठाक आ जावे है परले कमरे में रखी रहो या नवी के क्या करो मोड़ी का है ज्यादा रखा करो इन्हें ठावे है और कुड़ बरे पैर का खड़े हो जावे है। और आज मैंने एक इतना बढ़िया काम करा है क्योंकि शाम ने उसमें पानी डाल दिया था मैंने, वो मिट्टी सी थोड़ी हो गई, मेरी तुलसा नहीं सूख रही थी उसमें पानी डालना था। और देखो यह सूख रही थी इसमें मैंने उखाड़ दी है, उखाड़ी जाए तो इसमें नहीं आ जाएगी। अरे ना देख लो कुछ मुक्का लग दे गेट तो बाहर अरे बाइप का पे बैठे हैं डे के कर रहे हैं ना भी के कर रहे हैं अंदर चल चल अंदर धूप में बैठे हैं चल बेटे अंदर चल इन्हों को ती मुक्का चाहिए बाहर जाने का जब भी बाज ले बाहर जब जी कर जब भी बाहर पाओ गेट खुल दे यू गेट खुला रह जा रही यू दो दिन बाहर पाओ चल बाहर चल अंदर जल्दी सी अंदर चल जल्दी चल अंदर। तो चाय बनाते बनाते बाहर तक डिमांड आई कि बेटे चाय के साथ दो नमक के परांठे बना दिए नवी के पापा की डिमांड आई तो मैंने पापा के नवी के नमक के परांठे बनाए ये देखो नमक के परांठे बना दिए गर्म गर्म तो पापा और नवी दोनों खा लेंगे दोनों परांठे खा लेंगे क्योंकि पापा ने परांठे बहुत पसंद है। हाँ जी तो मैं ला गई थी सिलाई करन और नवी और मैं सो गए थे थोड़ी देर फिर नवी अपने दादा के साथ चले गए खेत में घूमन और मैं देखो सिलाई ला गई हूँ करन और टाइम हो गया है टाइम हो गया आज पौने छः टाइम हो गया पौने छः और आज मैं उन्हें व्लॉग में नहीं लेंदे आज मैं जा रहे हैं मतलब अपनों कह गए थे कि मैं सैर जाऊँ माँ कोई बात नहीं आप जाओ और इब ती नहीं आ लिए और मैंने कहूँ थी उनते हैं मखाप मन मेरा हमेशा आदत आपकी शाम ने श्याम कर खाने की तो मैंने अपनी सिलाई कर ली और आज मौसम है ना मैंने को थोड़ा तो बारिश हो थी और आज मौसम देखो मतलब दो तीन सारे दिन हो गए बादल से तो हो रहे हैं पर बारिश नहीं हुई है और पता नहीं क्यों अड बारिश को नहीं होती ना कल हुई ना परसों ही सारे को बरसा है हमारे घर तक होना थोड़े दिन को तो बारिश हुई थी है फिर जिन साइड भी बारिश हुई थी सारे को बारिश होने लगी लेकिन अड बारिश को नहीं होती। और ये मैं अपना सूट कंप्लीट करके ना रोटी टुक्के की तैयारी करूँगी और जब तक नवी भी घूम के आ जाएगा फिर उसको खाना खिलाऊँगी थोड़ी देर क्योंकि परसों तो उसके स्कूल खुल जाएंगे थोड़ी सी उसका काम रह रहा है थोड़ा सा फिर उसका काम करवाऊँगी थोड़ा सा सारा दिन। अरे देखो भी आज मैं आप पर तो दिखाऊँगी कै बजे आऊँगी मैं देखियो तो आप पर मतलब श्याम में कर आऊँगे मैंने इस बात का तो पता है मैंने फ़ोन करा था उन्हें अटेंड नहीं करा बिजी होंगे मैं पहले कहूँ थी कि मैं सांझ बिना कत्ती को नहीं आवे और भूखे मरद आए बहर तंदर बोले तोले रोटी दे रसल लेंगे दे लो कत्ती दे रोटी मंड रहे खान के बात कत्ती सारा दिन भूख मतलब कुछ भी नहीं खाना था है आपकी बात देख कर ना भी सो भी लिया बेचारा है और उठा दो देखो ये नवी सोन लग रहा सो लेने दो ना इसकी शर्ट नीचे कर दो ठंड लगती होगी ना सो लेन दो देखियो उठाओगे भी इसने आप तो सारा दिन आज ही सके काम आ गया था अपने अर्जेंट दाढ़ी सेट करवानी थी ये भगवान देख कटिंग करवानी थी करवा कर रहे हो नाइन हो ला नौ सूत्रे लग गए हां अल बस यूं काम था सारा दिन हैं काम होता छोटा मोटा क्यों फद्दू बनाओ मैंने ये भाई इंडक था देखो करो रहा बंगा कर दिया आपने व्यू और ला भाई
कुत्ती जो मौके भूखे मर गए ना, जिनकी फेवरेट चटनी बना रखी थी पर तो लोग में भी दिखाई थी और इन दिलों जो बढ़िया टूट कपड़ गया तो चटनी पान दे गई है बहुत टेस्टी बन रही है आज आलू प्याज की सब्जी बना रहा थी। और आलू प्याज की भी जो मैं और तरीके से बनाई थी जो करने सूखे एक तो मतलब पानी के बना कर आलू प्याज सूखे बना रखे थे बहुत टेस्टी कढ़ाई में आलू प्याज पानी तरीके का तो बनाया रहे बना के नहीं करते। और आप इन्हें पता है खाने से मतलब इन्हें नहीं लगा आज मैंने क्या की सब्जी खाई है इफ तड़की इन वाले के बनाया मखा चटनी और दही इन वाला तोड़े रोटी दे दे और माँ सुबह की सब्जी रखी बोला क्या की सब्जी थी खा गए अरे इन को क्या की सब्जी थी कुकर मल रहे तोले 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 कोई खुश था इन रोटियां ने मेरा के बाद है और मेरा काम धंधे बहुत रहा है ठीक है दुनिया भर की बड़ा करा है सही बात है सारी बकड़ बकड़ को बड़क आप नहीं रहो है ना वो भी सुना रहा है सही है खाली दही गली खा कर रोटी बोला मम्मा बस दही दही के साथ खाऊंगा मैं नहीं सब्जी खाऊंगा चलो आप फटाफट खाना खा लो फिर आपको एक चीज देंगी ठीक है ओके ठीक। तो गाइस आज तो हमने सारे ब्लॉग में मीनू मीनू दिखी होगी मीनू क्या दिखेगी ना भी दिखेगा आप भी दिखो मैं आज बाहर जा रहा था ना तो आज इसका फंस रही थी दूरबीन क्या दूरबीन ले और जब मैं कोड्डा पर ठा खड़ी हो जाती ठीक है मैं तो इब घर आगे नहीं संभाला मैं देखा है वहाँ की कुछ कर रही है बाकी कराया पैसा मैंने आज थोड़ी सी ज़्यादा भूख लग रही थी आंते उन्होंने रोटी लपेट दी पहले तो भूख में कूलर पकवान जब बढ़िया रोटी बीन ना हो ना जब भी बढ़िया लगा यार मैं आपके लिए एक चीज कौन सी लाऊंगी और मैं वो आपके लिए ले आई केले का ही दिखा पहले तो आपने दिखाओ केले का दिखा केले का ही है केले का पैसे ना कुछ नहीं दे रहा है आंख बंद कर लो पहला ले खड़े कर कर रहा हूं कति करड़ी करो आया ले लेंगे देखो करा ले लेंगे कति करड़ी ऐड कर लो बंद मेरे कहने मुंह करो बंद करो जल्दी करो एक चीज दिखानी है आंख नहीं खोलन है पक्की बात है देखो क्या तो कति लगाओ पहले नु आंख बंद करो कति कर दी मेरे पे विश्वास है कर ली पर नु था आंख में कैची तो नहीं है फिर मैंने मेरे बाल में कैची मार देगी दिखाई दे कैची भी नहीं है ना ना दिखाती को कैची कति भी कोई आपकी कसम बस कैची नहीं है ठीक है देखो थोड़ा आंख बंद करी ना अपने बाल की बहुत चिंता रही और मैं रात ने काट दी मेरे पैर तू दिखा ना जो आज रात ने पक्का गाइस ठीक है तू अपना जो दिखा ना जो भी कुछ है अमन करो आंख बंद करो कति करड़ी जमा करड़ी आपकी कसम खाई थी ना मैं छिताई तो हम भी तेरे जोड़े ओ लंबू देख आप ते लंबी वैसे को का मैंने नीचे कह दो दो हां वो गुठे जोड़ तो हूं है अरे यार रोड काड़ फदक दी रोड पे को रोड पे अच्छा गुठे जोड़ में हूं नहीं इसका मैं को शेक बना दे ना इतनी बड़ी अब मैं को शेक किस पे पिया जाएगा मेरे पे तो पिया जा मैं पीऊंगा हां पेट फट जाएगा आपका चलो ठीक है गाइस मैं कर रहा हूं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड आप मिलेंगे अपने नए ब्लॉग में तब तक के लिए Bye. Bye.